अगर आपका हेडशॉट नहीं लगता अगर आपका रिकॉइल हो जाता है या फिर आपका एम स्टक्सर हो जाता है जो की पीछे थोड़ा सा खाद रहता है ना वो रहता है हमारे ट्विक्स का जो कि हमारे ब्लू स्टेक्स या किसी भी हर एक इम्यूलेटर में ट्विक्स देखने को मिल जाते हैं आप हमारे इम्यूलेटर के ट्विक्स पर सेंसिटिविटी का भी इफेक्ट पड़ता है जितनी आपके अगर अलग अलग ट्विक रहेंगे तो अलग अलग सेंसिटिविटी सेंसिविटी रहेंगे आज मैं आपको टॉप फाइव लेटेस्ट और ऐसे अनोखे ट्रिक ट्विक्स बताऊंगा कि आप भी कहोगे क्या बात है लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ अगर आप ब्लू स्टेक्स में या फिर फ्री फायर किसी में नए किसी प्लेयर हो तो आप हमारी फ्री फायर बिगिनर टू एडवांस वाली एक पूरी प्ले लिस्ट बन रखी है जिसमें हमने फ्री फायर डे वन से लेकर जब तक आप प्रो नहीं तब तक के सारे रिलेटेड वीडियो डल रखे हैं तो आप एक बार उसको जरूर चेक करना और अगर आप बहुत पुराने पीसी प्लेयर हो मतलब जो फिर आप कमबैक कर रहे हो या फिर नए-नए पीसी प्लेयर हो लेकिन बहुत टाइम हो गया है, खेलते खेलते तो आप एक बार टू प्रो वाली सीरीज पर भी ध्यान दे लेना ब्लू स्टेक्स के लिए बनी हुई अगर आपको और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और अभी अभी हमारा चैनल हैक हो गया था तो उससे रिकवर हुआ है इसलिए भाई साहब मुझे आपके लोगों के सपोर्ट की जरूरत है इसलिए प्लीज बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लो भाई जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब करके रखा है वो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि मेरे को चैनल रिकवर करने में मदद मिल जाए पिछले दो ढाई महीने से मैंने मेरा इंट्रो नहीं दिया और पिछले पच्चीस दिनों से हमारा चैनल हैक पड़ा हुआ था इसलिए भाई मेरा इंट्रो देने का बहुत मन कर रहा है तो चलो मैं एक बार इंट्रो दे देता हूँ अपना तो मेरा नाम है कृष्णा आप देखो हमारे यूट्यूब चैनल एम पी सेवन टिक और आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको बहुत ही मस्त मस्त वाले ट्वीक चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं अब जो ये हमारा पहला ट्रिक है ये मैं पिछले छह महीने से यूज करता रहा हूँ ठीक है और ये मैंने बहुत ज्यादा बड़े बड़े यूट्यूबर को भी देखा कि ये वाला ट्रिक यूज करते हैं अभी ये मैं ट्रिक्स आपको डिस्प्ले में दे रहा हूँ तो आप यहाँ से एक बार इसको नोट डाउन कर लेना आपके इसमें क्योंकि मैं पांच ट्रिक देने वाला हूँ तो पांचों के पांचों को आपको नोट डाउन कर लेना है पहला ट्रिक तो हमारे ये हो गया जो आप प्रीवियस गेम प्ले देख रहे थे वो इसी का था अभी जो मैं आपको दूसरा वाला देने वाला हूँ दूसरा वाला ट्रिक वो इसका गेम प्ले ठीक है ये अभी मैं मैं पहले वाला का तो आपको पहले जो मैंने इंट्रो दिया था उसमें मेरा गेम प्ले हो गया था क्योंकि वो मैं बहुत पहले से यूज करता रहा हूँ लेकिन जो अभी आपको मैं दूसरा वाला ट्विक दिया मैंने जब ये देखो ये आठ सोलह सौ चार सौ पचास जो ये ट्विक है ये हमारा अभी आप आपने जो गेम प्ले देखा उसका और ये भी बहुत ही तगड़ा वाला है गैस इसको एक बार आप जरूर ट्राई करना ये ट्विक भी हमारा बहुत ही तगड़ा वाला है ये था हमारा सेकंड वाला ट्विक अभी हमारा नंबर थ्री वाला ट्विक देखो ये वाला ये हमारा नंबर थ्री वाला ट्रिक ठीक है अभी मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है अब जब आप फायर करते हो ना तब आपका एम स्टक हो जाता है शायद देखो अभी मैं यहाँ पे इसको बंदे को मार रहा हूँ तो ओनली रेड नंबर लग रहा है बहुत ही मस्त चुकी है ये भी ठीक है थर्ड वाला ट्विक है हमारे ये बहुत मस्त चुकी है मैं, हाँ अगर ये यू एम पी वाला जो भी चलाते हैं यू एम पी है एस एम जी गन उनके लिए बहुत ही मस्त ट्रिक है, है। वह लेकिन इसमें मैंने जो आपको बताया ना एक प्रॉब्लम वो यही प्रॉब्लम है कि आप जब फायर करते हो तब आपका एम स्टक हो जाता है कभी कभी ठीक है इसमें इतनी ज़्यादा बार नहीं होता है लेकिन कभी कभी हो जाता है अब हमारा नंबर फोर्थ वाला ट्वीक है इसमें आपको बहुत ज्यादा वो देखने को मिलेगा लेकिन इसमें आपको अलग तरीके से कुछ करना तो पड़ेगा पिछले वाला सेकंड वाला था अभी हम थर्ड वाला आपको बताएंगे तो देखो तो तो थर्ड वाले में आपको क्या करना है कि जो आपका वो ये आपका जो कस्टम कस्टमर रहता है आपको पर आ जाना की मेपिंग वाले पे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है एक्सपोर्ट वाला आपको एक्सपोर्ट वाले पर क्लिक करके आपको देखो यहाँ पे मेरे को आफ्टर गोल आ रहा है लेकिन जो भी आपकी की मेपिंग का नाम है आपको वहाँ पर वो शो करेगा तो आपको इसको एक्सपोर्ट पर क्लिक करके आपको कहीं पर भी जगह पर एक्सपोर्ट कर लेना जहां पर भी आपको सूटेबल पर एक्सपोर्ट कर लेना मैं डेस्कटॉप पर ही इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इतना करने के बाद आपको आपके गेम को क्लोज कर देना है से सेव कर देना है फिर इसके बाद क्लोज कर देना ब्लू को नहीं, आपका जो गेम रहता है आपको राइट क्लिक करना है और ओपन विध नोटपेड कर लेना है तो आप जैसे ही ओपन विद नोटेड करोगे ना तो आपको ये फाइल सही से खुलने को मिलेगी और किसी ऐप से आपको ओपन नहीं करना है सिर्फ नोटपेड से ही ओपन उसके बाद आपको ऊपर तीन चार ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे फाइल एडिट फॉर्मेट तो आपको एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है और वहाँ पर को कंट्रोल एफ़ यानी कि फाइंड वाले पे आपको क्लिक करना है फिर आप कंट्रोल एफ भी डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन यहाँ पर फाइंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना फिर यहाँ पर आपको ट्विक्स लिखना मैंने ऑलरेडी डाल के रखे हुए थे क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई किया था तो आपको यहाँ पर सही स्प्रिंग के साथ आपको ट्विक्स लिख देना फिर उसके बाद आपको फाइंड नेक्स्ट वाले पर क्लिक करना था तो पहली बार में आपको जो आएगा ना उस पर आपको क्लिक नहीं करना है वो आपका डी पेड वाला है ठीक है फिर उसके बाद एक और बार आपको फाइन नेक्स्ट पर क्लिक करना है उसके बाद आपको आपका रियल ट्विक्स मिल जाएगा अब यहाँ ट्विक्स के सामने एक वैल्यू दिखने को मिलेगी आपको तो ये वैल्यू वो रहेगी जो आपने आपके ब्लू स्टेक्स में डाल रखी ट्विक्स से तो ठीक है अगर आपने जो भी वैल्यू डाल रखी होती है तो उसको आपको कैंसिल कर देना है याद रखो आसपास का कुछ कैंसिल नहीं होना चाहिए जो वैल्यू सिर्फ यहाँ पे डली रखी है किसी किसी के इसमें सोलह चार सौ पचास भी डली रखी होती है नॉर्मल डिफॉल्ट रहती है वो किसी किसी में अलग भी रहती है तो आपको उसको हटाकर ये वैल्यू डाल देनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको डिस्प्ले पर दिख रही है ये वैल्यू आपको डाल देनी हम है हम यहाँ से ट्विक्स इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमको नेगेटिव वैल्यू डाल है या तो मैंने इसके सामने माइनस लगाया जैसे फाइव नाइन के आगे माइनस लगाए तो आपको भी माइनस लगाना है आप जैसे इसकी वैल्यू डाल देते हो सही से डालना इधर उधर थोड़ी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसके बाद आपको इसके फाइल वाले ऑप्शन पर जाकर इसको सेव कर देना या तो आपको इसको डायरेक्ट सेव कर देना नोटपेड से ही आपको ये चीज ओपन होगी और इसको फिर उसके बाद सेव वो देना याद रखना आसपास की चीज़ को गलती से भी आप कुछ ना कर दो कुछ छेड़छाड़ी मत करना ना कुछ और हो जाएगा तो फिर मेरे माथे माता ना आपको डायरेक्ट इसको फिर सेव कर देना है ठीक है इतना सब कुछ करने के बाद इतना करने के बाद आपको आपका गेम ओपन कर लेना है आप जैसे गेम ओपन करोगे तो आपका कंट्रोल एडिटर का ऑप्शन आपको आ जाएगा तो इस पर आपको जाकर कंट्रोल एडिटर में जो फाइल हमने एक्सपोर्ट कर दी थी उसको आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है ठीक है एक्सपोर्ट के साइड में आपको एक इंपोर्ट वाला एरो मिल जाएगा आपने पिछली बार जहा पर भी सेव करी थी आपकी फाइल आपको वहाँ पर वो फाइल देखने को मिल जाएगी तो आपको उस पर एक बार क्लिक करके इसको इंपोर्ट कर लेना है हमारे ब्लू ब्लूटेक्सर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है मेरा माइक कितना खराब होता है तो भाई एक बार अगर लाइन इधर उधर ज्यादा रहा बार पाँच पाँच बार बोल रहा होगा मेरे को भी नहीं पता मैं क्या वॉइस ओवर कर रहा हूं क्योंकि मेरा माइक पांच बार खर कर चुका एक ही लाइन को मैं दस बार बोलता हूं तब जाके वो लाइन एक बार में परफेक्ट बिना खर खर कर आती है इसको इम्पोर्ट करने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है आपके ट्विक में जाके कि ये नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर आपका नेगेटिव नहीं आ रहा है तो आपने गलती करी वैसे भी कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं है बहुत ही ईजी काम है ये ट्विक एम जो भी चलाता है या फिर एस एम वाली गन जो भी चला है उनके लिए बहुत ही अच्छा ट्विक एस एम वालों के लिए था अभी मैं आपको एक नया ट्विक और बताऊंगा ठीक है अभी आप जो गेम प्ले देख रहे हो ना ये अलग ट्विक्स का गेम प्ले अभी इसके लिए आपको मैं एक नया ट्विक बताऊंगा लेकिन अब ये जो हमारा होने वाला ना ये यूएम और चोटगन दोनों के लिए बहुत तो होने वाला है क्योंकि तो जो शॉटगन गन लवर होते हैं ना भाई उनको बहुत ही तगड़ा एम देखने को मिलेगा इसमें लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है यही आपका एम अटक जाता है ठीक है आप जिसे फायर करते हो ना तो ये अटक जाता है आपको ऐसा लगेगा अचानक से कि बहुत ज्यादा स्लो सेंसी हो गई है आपकी आपको यह प्रॉब्लम इस वाले ट्रिक्स में बहुत ज्यादा देखने को मिली लेकिन एक बार आप ये ट्रिक जरूर ट्राई करने क्योंकि सबके पीसी में अलग अलग कंसिग्रेशन रहता है सबके पीसी की अलग अलग की मैपिंग रहती है क्या पता है ये मेरी की की मैपिंग में ये स्टॉक वाली प्रॉब्लम आ रही है आपकी की मैपिंग में ना आए अब हमारा अगला वाला जो ट्रिक्स है उसके लिए भी आपको सेम पुरानी वाली मेथड को ट्राई करना पड़ेगा आपने पिछली बार जो फाइल को जहाँ पर एक्सपोर्ट किया था आपको उसी जगह पर चले जाना और उसी फाइल को सेम टू सेम फाइल को नई फाइल एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है पुरानी फाइल को ही आपको ओपन कर लेना है फिर से आपको इसको नोटपेड ओपन करना है फिर से इसके बाद आपको एडिट पे जाके आपको यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट वाले सॉरी फाइंड वाले क्लिक पर क्लिक करना है और आपका ऑलरेडी ट्विक्स लिखा हुआ आ जाएगा तो आपको यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पर ही सिर्फ दो बार क्लिक कर देना है ठीक है तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक नेगेटिव वाला हमने जो अभी डाला था वही वाला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको इस वाले को चेंज करके आपको एक और नई वैल्यू डालनी है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा तो अभी मैंने माइक हटा लिया इसलिए थोड़ी मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत खराब आ सकती है क्योंकि मेरा माइस मतलब मेरा माइक ज्यादा एक खरखर कर रहा था इसलिए अभी यहाँ पर आपको यही वाला जो ट्विक है ना यही वाला ट्विक आपको डाल देना है ठीक है जो मैं आपको डिस्प्ले पर दे रहा हूँ ये वाला ट्विक को आपको डाल देना फिर इसके बाद आपको इसको फाइल पर करके सेव कर देना है ठीक है इसके बाद आपको चले जाना है आपके फिर से ब्लू स्टेक्स में और ब्लू स्टेक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर फिर से चले जाना है और जहाँ पर आपने फाइल इंपोर्ट कर रखी थी वहाँ पर से फिर से आपको इसको इंपोर्ट कर लेना है जहाँ पर आपको इस बार गूगल मतलब जो भी आपका फाइल रहेगा जैसे आपका स्टैंडर्ड फाइल का नाम है तो आपको स्टैंडर्ड टू ऐसा करके दिखने को मिलेगा क्योंकि उसकी एक कॉपी बन रही तो उसके आगे टू लिखा हुआ जाएगा तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है फिर आपको इसको चेक कर लेना एक बार जाकर के आपका चेंज हुआ कि नहीं हुआ देखो मेरा यहाँ पर ट्विक सक्सेसफुल चेंज हो चुका है ट्विक्स के आगे नेगेटिव लग चुका है हम जब नॉर्मली करते हैं तो हमारे नॉर्मल में हमारे ट्विक्स के सामने नेगेटिव नहीं लगता है इसलिए हमने हमने नोट फैड फाइल का यूज किया है कि हम उसके आगे नेगेटिव लगा सकते आप ये ट्विक्स का इतना खतरनाक ट्विक्स होने वाला है मतलब ट्विक्स में इतना ज्यादा भी खतरनाक नहीं होने वाला है ज्यादा मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये ट्विक्स बहुत बढ़िया है आप ये ट्विक्स मेरा नहीं है मेरे सब्सक्राइबर्स का ट्विक है जो मेरे सब्सक्राइबर ने बताया था जो भी हाई सेंसिटिव प्लेयर है उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्विक्स होने वाले हैं यहाँ जो लो सेंसिटिव वाले प्लेयर है वो अपनी सेंसिटिव में छेड़छाणी मत करना है ट्विक्स के चक्कर में जो भी आपके पुराना ट्विक्स था वही आप यूज कर लेना अगर आप बार-बार सेंसिटिविटी को छेड़छाड़ नहीं करोगे तो आपके हेडशॉट वैसे ही नहीं लगेंगे अब जो हमारा लास्ट वाला ट्रिक है जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने बताया था वो है 88088 अब देखो ये वैसे तो बहुत छोटा है बहुत सिंपल है लेकिन इसमें आपको सेंसिटिविटी हाई देखने को मिल जाएगी जब आप यूज करोगे तो आपको इसमें सेंसिटिविटी हाई लगेगी तो आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं आपकी से, मेरी सेंसिविटी चे, चेंज कर लूँ नहीं आपको एक ही सेंसिटिविटी जो आप पहले से यूज करते आ रहे हो उसी पर इन सभी ट्विक्स को यूज करना और जाते जाते मैं अगर आपको एक रियलिटी बताऊँ तो देखो ये ट्रिक विक सब चीज़ फालतू काम है आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती थी आप किसी भी ट्विक्स पर खेलोगे तो आपको प्रैक्टिस चाहिएगी चाहिए फिर ट्विक्स से आपका थोड़ा सा आपका इधर उधर सेंसिटिविटी कम ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा आपका जो रिस्पॉन्स रहता है टच एंड डिले का वो भी थोड़ा बहुत इधर से उधर हो जाता है बाकी इस चीजों की बहुत कम लोगों ने डिमांड करी थी लेकिन जितने डिमांड करी थी उसके लिए मेरे को एक वीडियो बनाना था तो मैंने इसको ओबी फोर्टी अपडेट